गांव में आते रहना चाहिए जब भी मौका मिले, हर एक छोटे से काम के लिए, क्योंकि गांव रहेगा तभी तो हम सब रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति बढ़ती रहेगी, हम अपने आगे वाली जनरेशन को पास ऑन क्या करेंगे। सोना जा रहे हैं घूमने, वहाँ हमारा स्कूल है, मतलब वहाँ से मैंने 12th पास वहीं से किया। रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड जखोली के भरदार पट्टी में कई रमणीक गांव है, जिनमें से एक खूबसूरत गांव है सौराखाल। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। यहां अभी भी मौजूद हैं कई पौराणिक पारंपरिक मकान जो गांव को और भी रमणीक बनाते हैं। इस गांव से हिमालय का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। सौराखाल गांव के बारे में आगे की जानकारी मान्यवर हरेंद्र रावत जी से जानते हैं, जो एक अच्छे फोटोग्राफर भी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरेंद्र रावत है, मैं सौराखाल से ब्लॉग करता हूं और मैं यहां पे फोटोग्राफी का काम करता हूं। हमारे यहां पे सतीश नयाल जी आ रखे हैं, जिनने हमारे गांव का पूरा मतलब शॉट लिया हुआ है। जो आपने ड्रोन में सबसे पहले शॉट देखा होगा वो पिटासनी देवी मंदिर है, जो उसके बाद जो रोड से ऊपर आता है गांव, वो मच्छा गांव के नाम से जाना जाता है, और जिसमें सबसे ऊपर रहते हैं कोठा नामक गांव है। इसमें हमारे गांव में रोड से नीचे जो है वो मुल्या गांव के नाम से जाना जाता है। यहां पे आगे धार पे होगा तो इंटर कॉलेज है, बेसिक प्राथमिक विद्यालय भी है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे देखे होंगे आपने, वहाँ पर दो टीचर हैं, एक प्रधानाचार्य हैं जो है सुरजन सोर्याल जी, और जो एक मैडम है वो है श्रीमती रेखा पुरोहित। हमारे प्राथमिक विद्यालय से हर साल एक न एक दो बच्चे नवोदय में निकलते हैं। और यहाँ पे आगे आपने देखा हो हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक पानी का धारा है जो कि पिलपानी नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो मार्केट की तरफ जो चौराहे पे पशुपालन विभाग वालों का भी हॉस्पिटल है, वहीं पर पोस्ट ऑफिस है, हमारे भाई साहब पोस्ट ऑफिस में नागेंद्र सिंह नेगी जी पोस्ट मास्टर हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं जैसे हम तो यहाँ पे स्टेट बैंक मिलता है, स्टेट बैंक है सौराखाल में, और एटीएम की सुविधा भी पूरी है। रोड से नीचे जो गांव आता है वो मुल्या गांव नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी भी है नीचे रोड साइड, और इसके ऊपर जो गांव में है उसमें भी अच्छी खेती है और हरा भरा हुआ है आजकल, क्योंकि आजकल का मौसम ही ऐसा है कि मतलब पूरी हरा भरा दिख रहा है। धन्यवाद। सौराखाल गांव के सुंदर सुंदर दृश्य अपने ड्रोन द्वारा देखे, अगर आप सौराखाल स्कूल में पढ़े हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा।